उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर काला बाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि गिरजौरा इलाके में पीडीएस की दो दुकानों में हजारों रुपए का चावल, गेहूं और नमक गबन किया गया है। इसका संस्था के रजिस्टर में कोई भी उल्लेख नहीं है। इसी तरह धमनिका गाँव में विकास पटसारिया द्वारा संचालित पीडीएस की दुकान पर भी हजारों रुपए का गेहूं, चावल और नमक गायब मिला, जिसका संस्था के रजिस्टर में कोई उल्लेख नहीं मिला। खाद्य विभाग की सूचना पर गिरजौरा पुलिस ने विकास पटसारिया और दीपक भार्गव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच लगातार की जा रही है। डबरा अनुविभाग अंतर्गत जांच कराई गई थी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा। तो एक है शासकीय उचित मूल्य की दुकान गिरजौरा और धमनिका, इन पे विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का अपनियोजन किया गया था। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत थाना गिरजौरा में कायमी कराई गई है और एक दुकान डबरा शहर की भी है, रानी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, उसके विक्रेता द्वारा भी खाद्यान्न की अपनियोजन किया गया था। तो उसके विरुद्ध भी डबरा थाने में FIR दर्ज कराई गई। गिरजौरा थाना क्षेत्र में जो है फूड इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया शासकीय उचित मूल्य की दुकान की, तो दो दुकानों पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर उसमें अनियमितता पाई गई, तो उनकी जांच पर से जो है उनकी रिपोर्ट पर से दो लोगों के विरुद्ध धारा 3/7 ECA का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक दुकान है धमनिका और एक प्रॉपर गिरजौरा की है। धमनिका जो दुकान है वो विकास पटसारिया चलाते हैं और गिरजौरा दुकान जो है दोनों दुकानों में अलग अलग आरोपी बनाए गए हैं और आरोपियों को जल्दी से जल्दी विवेचना की जाकर गिरफ्तारी की जाए।